श्री उमर अब्दुल्ला ने बिलाखर ये सच्चाई स्वीकार कर ली है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। उन्होंने अपने वर्कर्स की मीटिंग में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर घाटी के अंदर भी जबरदस्त जीत होगी और कश्मीर से भी बीजेपी के एमएलए जीतने वाले हैं आने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान। ये सच्चाई है। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर है। जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है कि अगर उनको हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। बायकॉट के कारण तो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकारें जीतती रही हैं। बायकॉट के कारण तो ये लोग एमएलए एमपी बनते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लज मेजोरिटी के साथ आएगी और जम्मू कश्मीर के अंदर बंपर वोटिंग होगी, कश्मीर घाटी में बंपर वोटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी आने वाले असेंबली इलेक्शन को स्वीप करेगी। जम्मू कश्मीर में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। हम श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिलाखिर इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार और भारतीय जनता पार्टी की लहर को देखते हुए उमर अब्दुल्ला साहब को यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी की आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जबरदस्त जीत होने वाली है।